दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने सख्ती दिखाई है। आधी अधूरी रिपोर्ट भेजने से नाराज आयोग ने दिल्ली के DG जेल, DM और DCP को अंतिम नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 22 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट के सबूतों के साथ आयोग में दाखिल हों, अन्यथा उनके खिलाफ आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कड़ी कार्रवाई करेगा। मानवाधिकार आयोग ने ये कार्रवाई रामपुर के RTI एक्टिविस्ट दानिश खान के उस लेटर पर की है जिसमें उन्होंने आयोग से अपील की थी कि आयोग से बार बार रिमाइंडर के बाद भी संबंधित अधिकारी मामले को दबाने में लगे हैं और सबूत आयोग में पेश नहीं कर रहे हैं। रामपुर के RTI एक्टिविस्ट दानिश खान ने NHRC के अध्यक्ष को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली से तिहाड़ जेल देश की अति सुरक्षित जेल मानी जाती है, लेकिन वहां आए दिन गैंग वॉर की घटनाएं हो रही हैं। आरोप लगाया गया है कि ये सब जेल अधीक्षक और प्रशासन की मिलीभगत से ही संभव है, इनकी भूमिका संदिग्ध है। इसी के चलते 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद CCTV फुटेज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए थे। उन्होंने जेल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई का अनुरोध किया था। आयोग ने दानिश खान की शिकायत पर केस दर्ज करके राजा गार्डन वेस्ट दिल्ली के DM, राजौरी गार्डन के DCP और DG जेल से अब तक की कार्रवाई की जांच रिपोर्ट और CCTV फुटेज इन सभी के साथ 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन इस मामले में रिपोर्ट आधी अधूरी भेजी गई। इस पर शिकायतकर्ता ने आयोग में दोबारा लेटर भेजकर आरोप लगाया कि जेल प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। इस पर आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में धारा 13 के तहत कुछ पूछताछ और क्रिमिनल केस दर्ज करने की चेतावनी जारी की है।